तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। मुंबई के उपनगर साकिनाका में एक टेम्पो के अंदर 34 वर्षीय एक महिला के साथ बलात्कार एवं निर्दनीय हत्या और हमला किया गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यह घटना 2012 के निर्भया कांड की याद दिलाती देख रही है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि घटना के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी मोहन चौहान वर्ष 45 को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार तड़के पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन आया कि खैनाजी रोड पर एक व्यक्ति एक महिला की पिटाई कर रहा है। अधिकारी ने बताया कि महिला का पता लगाने के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। खून से लथपथ महिला को नगर निगम संचालित राजावाड़ी अस्पताल में ले जाया गया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके निजी अंगों में लोहे की रॉड से हमला किया गया। यह एक बहुत ही शर्मनाक करने वाली हरकत सामने आई। उन्होंने बताया कि यह घटना सड़क किनारे खड़े एक टेम्पो के अंदर हुई है। अधिकारी ने बताया कि वाहन के अंदर भी खून के धब्बे मिले हैं। डॉक्टर के मुताबिक महिला की हालत गंभीर है। उन्होंने बताया कि कुछ सुरागों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी चौहान को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 376 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू है। दिसंबर 2012 में एक युवती, जिसके बाद निर्भया कहा गया था, के साथ दिल्ली में चल रही बस के अंदर निर्दयता से सामूहिक बलात्कार किया गया और हमला किया गया, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। कई दिनों तक जिंदगी से संघर्ष करने के बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। ऐसा ही एक शर्मसार कर देने वाला मामला मुंबई से सामने आया है। 3:30 बजे पुलिस कंट्रोल पे फोन आए थे। एक आदमी ने फोन करके ऐसा बताया गया कि एक आदमी और एक औरत के बीच में झगड़ा हो रहा है, आदमी औरत को मार रहे, जल्दी से जल्दी यहाँ पे पुलिस का मदद भेज दीजिए, ऐसा फोन आए थे। तुरंत वहाँ पे 10 मिनट के अंदर साकिनाका का पुलिस स्टेशन का नाइट का टीम वहाँ पे पहुंची थी। पहुंचने पे वहाँ पे एक टेम्पो के अंदर एक लेडी उसमें इंजर हुई थी, कुछ ब्लड भी आ रहे थे, ऐसा स्थिति में मिली थे। मिलने के बाद हम तुरंत राजवाड़ी हॉस्पिटल में, तो पुलिस ने लेके गए राजवाड़ी हॉस्पिटल, उसका एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू किए थे।